मंजिल पाना है, जीतना है। अगर हर एक इंसान को जिंदगी में कामयाबी पाना है, इस देश के लिए कुछ करना है, तो हम सबके लिए एक ही उदाहरण है और वो है सबसे प्रतिभाशाली डॉक्टर आर्यमान जी। उनके द्वारा किए गए कामों की तारीफ करने वाले सबसे पहले व्यक्ति है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी। प्यारे भाइयों, मानव के शरीर में सबसे जरूरी चीज है उसका दिल। इसीलिए दिल से आपस में प्यार करने वाले लड़के लड़कियां, दिल से सभी का अभिनंदन करने वाले दोस्त लोग, मेरे दिल की चाहत है मेरा बेटा मेरी बेटी यह जानते हुए भी उनके माँ बाप मन की बात मानकर उनके बारे में बातें करते हैं। इस तरह के दिल से संबंधित बीमारियों को सही तरह से ठीक करने में, एक आदमी के दिल को दूसरे आदमी के शरीर में फिट करने में माहिर हमारे भारत में नंबर वन कहलाने वाले डॉक्टर चार्ल्स जी, जिन्होंने ये आविष्कार किया है, उनके लिए मैं भगवान से तहे दिल से प्रार्थना करूंगा। मैंने आपके जैसा अपने मेडिकल कैरियर में कोई आदमी नहीं देखा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सो फार इन आवर सोसाइटी वी आर गिविंग रेस्पेक्ट ओनली फॉर फोर इन द ऑर्डर ऑफ मदर फादर गुरु एंड गॉड। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू our respectable Dr. Charles to be perfectly placed as the fifth person like mother, father, guru, god and doctor। इंडिया के मध्य प्रदेश में जन्म लेना मेरा सौभाग्य है। मेरे द्वारा किए कामों से जो ख्याति मिल रही है, वो ख्याति सिर्फ मुझे ही नहीं इस पूरे राज्य को मिल रही है। इस बात को आप लोगों से कहने के लिए जो मौका आज मुझे मिला है, मुझे उस पर बहुत गर्व है। थैंक यू वेरी मच। आज की बड़ी घटना। भारत के सबसे बड़े और जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर चार्ल्स की कल रात को कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस कई जगह छापे मार चुकी है। डॉक्टर चार्ल्स की इस तरह से अचानक मौत हो जाने पर भारतीय प्रधानमंत्री ने दुख प्रकट किया है। ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे हो सके से सकता है? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है डॉक्टर। मेरा इरादा उन्होंने फ्री में किया था, मेरे पति को हर चीज हो गया था, फिर भी उनका फ्री में किया। कहाँ चले आ रहे हो? हटो हटो यहाँ से। नमस्कार मैडम। किसी हत्यारे ने मेरे पति की बेदर्दी से हत्या कर दी। उनके जाने के बाद हम सबका क्या होगा मैडम? अपने बच्चों को कैसे पालूंगी मैं मैडम? तुम बिल्कुल मत डरो बहना, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं इन बच्चों को गोद लेना चाहूंगी। रो मत, चुप हो जाओ। डीजीपी, तुम्हें 24 घंटे के अंदर उस हत्यारे का पता लगाना होगा, नहीं तो 24 घंटे के अंदर तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मेरे हाथों से ही होगा। ये अपने सीएम से कह देना। यस मैडम। चंद्रा, जान लेने वाले डॉक्टर तो सारे के सारे सुरक्षित घूम रहे हैं, तो फिर जान बचाने वाले डॉक्टर को भी सुरक्षित रहना चाहिए ना, उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। ऑफिसर को गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे पीछे चले आओ।
अरे रुक, अरे 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 रुक, रुक ना, अरे रुक दे। अरे मैं चंद्रा का पति हूँ, रोड पे खड़ा करके रखा है मुझे, मेरे ही कर्म फूट गए जो ड्राइवर। हलचल मचा दो, चैन चुरा लो, आगोश में तू मेरे यार, बचना तो तेरा है मुश्किल, जो ले लूंगी मैं तेरा दिल, बचना तो तेरा है मुश्किल, जो ले लूंगी मैं तेरा दिल। खोलना बे। मैडम, साहब आतंकवादियों के साथ आ रहे हैं। क्यों भाई, ये तकलीफ हो रही है क्या? अरे ये तो शुरुआत है। अगर तुम्हें मेरी पत्नी के बेडरूम में जाना हो तो ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ मुझे ही चेक करना पड़ता है। बेडरूम में? अरे बेडरूम का तो कुछ गलत मत समझो, वो सारे कनेक्शन कट हुए तो कम से कम 25 साल से ऊपर हो गए हैं। मैं तो पीउन की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ और ड्राइंग रूम में ही सो जाता हूँ। रियली? और क्या भाई, अरे मेरी बीवी से तो गवर्नमेंट भी डरती है, और मेरी पोजीशन उसके पैरों में पड़ी हुई जूती की तरह है, जब चाहती पहनती जब चाहती उतार देती है। अरे वो पेटी नहीं लाए? डिक्की में। अरे कैश अभी लाता हूँ।
अरे पेटी को डिक्की में छोड़ के आते हैं क्या? इस घर में पहले कैश आता है, बाद में इंसान आते हैं। मैडम, आतंकवादी आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए बैठिए। अरे चंद्रा, बिजनेस की बात कर ली है, सिर्फ रेट फिक्स करना है। अगर हम माल दे देंगे तो वो हमें पैसे भी दे देंगे। ये देखो पूरा का पूरा बैंक लेकर आए हैं। मैडम। क्यों रे रामू, तुझे तो मंत्रालय में एमएलए की सीट पर बैठना था, इस तरह घर में नौकर का काम क्यों कर रहा है? ये सब मंत्री पद के लिए कर रहा हूँ। किस आदमी को किस सीट पर बिठाना ये मुझे पता है, प्लीज कीप क्वाइट। चल जा। हाँ, गोदाम में चले क्या? ओएस। और इसको नीचे रखिए। इसको भी नीचे रखवा दिया। क्या जिंदगी है यार। देखो यार, अगर कोई वर्ल्ड वार हुआ तो मेरे पास सप्लाई करने के लिए हथियार हैं, मगर आदमी नहीं है। अगले साल से हम ये हथियार अमेरिका को सप्लाई करने के बारे में विचार कर रहे हैं। आप चुप नहीं रह सकते? वेरी गुड, रियली सुपर, फैंटास्टिक। मान प्लीज। क्या हुआ भाई, हथियार बेचते हो और डरते भी हो? अरे बंदूक को थोड़ी मालूम कौन अच्छा है कौन बुरा, अगर चल गई तो। मैडम ये इम्पोर्टेड माल जैसा ही है, रियली सुपर। अरे इम्पोर्टेड तो ठीक है, अगर गोली चल गई तो मरने वाला इंसान सीधा एक्सपोर्ट हो जाएगा हम लोग को। यू आर करेक्ट सर। थैंक्स। आपके सप्लाई किए हुए सारे हथियार पावरफुल है, इसलिए हमसे मिलिट्री जीत नहीं पाई। अरे मिलिट्री जीता ही, आप जीतो। आप तो जिस काम से आए हो अपना काम पूरा कीजिए। ए यहां आओ। हे मैम साहब बुला रही है और तुम धीरे धीरे चले आ रहे हो, इन लोगों को तो डांटते रहना चाहिए। मैडम ये जो माल है इसे पैक करके जल्दी से ट्रक में लोड करवा दो। ओके मैडम। रास्ते में चेक पोस्ट है, इनके साथ जाकर चेक पोस्ट पार करवा दो। मुझे तो फास्ट पोस्ट जाना चाहिए था ना, तुमने ये चेक पोस्ट का क्या नया पंगा खड़ा कर दिया मेरे ऊपर। चंद्रा अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा? तो जेल चले जाओगे। तेरी तो चुड़ैल कहेगी। अरे बुड्ढों की तरह क्या चल रहे हो, जल्दी जल्दी करो। कारतूस और बंदूक बनाने वालों से ज्यादा वक्त तो तुम लोग ढोने में लगा रहे हो इन पेटियों को। अरे ऐसे तो पूरी रात बीत जाएगी, चलो जल्दी करो। सारे के सारे आलसी हैं बेवकूफ। सर कहाँ बैठ गया, बम इसमें फट जाएगा। पहले क्यों नहीं बताया? अरे बम फट जाएगा तो मेरा पैर उड़ जाएगा ना। पैर की क्या बात करते हो सर आप, शरीर की एक भी हड्डी नहीं बचेगी। अरे दिवाली के पटाखों के नाम पे तुम लोग बम एक्सपोर्ट कर रहे हो। अरे पता नहीं तेरे को बम है ये, जल्दी लेके जाए यहाँ से, हटा इसको यहाँ से। हाँ जल्दी उठाओ। दिवाली के पटाखों के नाम पर अपने देश में AK-47 एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यही गोली किसी गरीब के ऊपर चलाकर मारोगे? सुधर गया ये देश इस तरह तो। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। प्रमुख व्यापारियों के नेता, हमेशा खबरों में रहने वाले राजनीतिक राजनायक जी का कल किसी अजनबी हत्यारे ने कत्ल कर दिया है। टहलने के लिए वे बीच पर गए थे, उसी समय ये घटना घटी। इन दो हत्याओं की वजह से हमारे शहर में पुलिस ने अपनी जबरदस्त तैयारी जगह जगह की है और हर आने जाने वाले को सख्त तरीके से उनकी गहन पूछताछ की जा रही है। बहुत ही जल्द हत्यारे कानून की गिरफ्त में होंगे, DGP ने ये वादा किया है। अपने पति को बताया? बताया है माँ जी, वो कहीं पर गए हुए हैं, कहा है कि आते ही इन्फॉर्म कर देंगे। पापा। सुनिए, आपका किस तरह से समाधान निकालो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे नेताओं की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। मेरे पति को किसने मारा है और किस लिए, ये मुझे पता चलना चाहिए। आओ।
मिस्टर जय कुमार, ये देश सारा बिक जाए तो भी चिंता मत करना। जहाँ मैं चलती हूँ वो नंदनवन होना चाहिए और मेरा घर बिल्कुल वृंदावन। ठीक है चंद्रा जी, इसलिए तो मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। आपके एक इशारे पे मैंने काम कर दिखाया। आप तो जानती है जब से मैंने इस राज्य की सत्ता संभाली है सारी पुलिस ही आपकी हो गई है। यहाँ देखिए चंद्रा जी, मुझे पार्टी पद और जनता किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका साथ चाहिए। अगर आप ही मुझसे नाराज हो जाओगे तब मैं अपने आप को फांसी लगाकर जान दे दूंगा चंद्रा जी। हेलो चंद्रा, अब तू नहीं बचेगी, तुझे मैं जान से मार दूंगा। कौन है बदतमीज? मैंने ही डॉक्टर चार्लिस और तेरे पति का खून किया है। यू? तेरी बारी है। यू हैकर? हेलो हेलो, बोलिए मैडम। जल्दी से डीजीपी को बुलाओ। यस मैडम। इस घर में एक और खून होने वाला है, कातिल ने फोन किया था। तुम सब लोग क्या कर रहे हो? कौन था मैडम? डॉक्टर मीना के पति को जिसने मारा है वही कातिल। डोंट वरी मैडम, आपको बचाने के अलावा उस कातिल को पकड़ने की जिम्मेदारी भी हम लेते हैं। क्या लेंगे आप जिम्मेदारी? आप लोगों की जिम्मेदारी तो मैं देख रही हूँ। इस राज्य के सभी अधिकारी मेरी मुट्ठी में हैं। तुम नहीं जानते? तुम क्या जानोगे? देखो आज मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं है। बंदोबस्त करेंगे बंदोबस्त। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं तुम पर भरोसा करूं? मेरे परछाई से डरने वाले सारे बकासुरों को मैंने खूबसूरत बंगले बनाकर दिए हैं। कार किस तरह की होती है नहीं जानने वाले कुलियों को मैंने कार दिलवाई है, मगर कोई भी मेरे पति को बचा नहीं सका। अरे उस हथियार को पकड़ भी नहीं सके। कुछ मत कहो, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। चलो। सत्यवती को बुलाओ। यस मैडम। सत्यवती, दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद है मेरा भाई चक्रवर्ती, उसे जल्दी से छुड़वा लाओ। मैडम, आपके भाई टाड़ा केस में अरेस्ट हुए हैं, इसलिए उनको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। हर मुश्किल को आसान बनाना इस चंद्रा की आदत है। जेल में इतने दिनों से बंद मेरे भाई को छोड़ देने की वजह कानून से डर गई नहीं बल्कि राजनीति रिश्तों को बचाना चाहती थी। ये ठीक है मैडम, लेकिन हम उन्हें छुड़ाए भी तो कैसे? टाड़ा कानून कहे तो मेरी नज़र में घर की छत पर बैठी हुई मुर्गी की तरह है जिसे कोई भी कुत्ता पकड़ नहीं सकता, मगर उसे पकड़ना उड़ने वाली चील के लिए बहुत आसान है। मैं कोशिश करूंगी। तुम्हें करना ही होगा। डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर चार्लेस बिजनेस मैग्नेट राजनायक जी का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इन हत्याओं की वजह को और उस हत्यारे को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। ये सीएम की ओर से स्पेशल ऑर्डर है और इससे भी ज्यादा जरूरी काम है कि अब जो तीसरा कत्ल होना है उसे हर हाल में हमें रोकना होगा। इसके लिए हिम्मत और बहादुरी का होना जरूरी है। इसके लिए हमें एक पुलिस फोर्स तैयार करना होगा। एक्सक्यूज मी सर। यस। सारे इंसानों की जान तो एक जैसी है ना सर। इस तरह का शक क्यों? एक डॉक्टर और फिर एक बिजनेस मैग्नेट, ये दोनों तो मारे गए हैं तो सीएम का स्पेशल ऑर्डर आ जाता है। पर जब कृष्णा तालाब में वही चंद्रा जी नहा रही थी तो उन्हें देखने आए हुए सैकड़ों लोग उसी तालाब में डूब मरे, पर हमारा ये डिपार्टमेंट चुप रहा। उनका अंतिम संस्कार करने से पहले उनकी फाइलें क्लोज कर दी गई। ऐसा क्यों सर? वो सब तो लोगों का पागलपन था। जब काली माँ, माँ शेरावाली, श्रीनगर में वैष्णो देवी, उन सभी माताओं के दर्शन करने वाले लोग ही बगल में रहने वाली चंदा को देखने के लिए आ गए और भीड़ में भगदड़ की वजह से मारे गए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कम ऑन टेल मी। करेक्ट सर, आप ही चंदा जी की हर बात मानकर हमेशा काम करते हैं, फिर उनके पति की हत्या करने का कारण क्या हो सकता है? आप उस हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं? ऑपरेशन के तहत ही हम गवर्नमेंट को और अपने डिपार्टमेंट को एक कोऑपरेशन दे सकते हैं। इस कोऑपरेशन की वजह से ही हम अपनी रेम्यूनेशन डेवलप कर सकते हैं। इस रेम्यूनेशन की वजह से ही हम अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। अब बताओ मुझे कैसी है मेरी एडमिनिस्ट्रेशन? ओके, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अब हम मिलकर जिस स्पेशल पुलिस फोर्स को तैयार करेंगे उसमें हमारे साथ दिल्ली के असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर एंथोनी इंचार्ज होंगे। जेल में जो भी कैदी हैं, उन्हें जल्दी से पत्थर तोड़ने वाली जगह पर लेकर आओ, समझे? क्विक। भागो जल्दी, जल्दी भागो, हटो वहां से, चलो भागो यहां से, भागो जल्दी, जल्दी भागो।
छोड़ो भाई, सब चलो, कोई मत रुको यहाँ पर, चलो भागो भागो, जान बचाओ भागो। किसने भेजा है बताओ मुझे। एंथनी हियर, होम मिनिस्टर का पीए बोल रहा हूँ। जी कहिए सर। आपको जल्दी मुंबई पहुंचना होगा। आई एम सॉरी सर, राजनीतिक नेताओं का चमचा बनकर महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल होना ये सब मेरी पसंद नहीं है सर। आपको सिर्फ एक ही केस सॉल्व करना है। कौन सा केस है सर? हमारे सीएम के फैमिली फ्रेंड का केस है। सीएम के फैमिली फ्रेंड है? हाँ। वो कौन है सर? मैडम चंद्रा। ठीक है सर, आज ही निकलता हूँ। कंपाउंड साइड में जाकर वॉच करो, खंबे की तरह क्या खड़े हो, सब लोग चारों तरफ फैल जाओ। मूव आई से, मूव, गो दैट साइड और कुछ ऊपर जाओ। ले चलो। नमस्कार मैडम, ये दिल्ली से आए हुए नए ऑफिसर है मिस्टर एंथोनी, सभी की सिक्योरिटी यही करेंगे। ठीक है, ले जाइए। यस मैडम। मिस्टर एंथोनी चलिए। आयुष धनुषेर, ओवर। धनुष तुम कहां पर हो?
कहाँ पर हो? ओवर। यहीं पर हूँ, ओवर। यहाँ कहाँ? ओवर। घूम कर देखो पागल। हाँ? यहाँ पर हो? आए तो मेरे साथ थे, कहाँ चले गए थे? तुम्हें आता है क्या? मुझे तो आता है। तो फिर मुझे नहीं आएगा क्या? तो इसके लिए गए थे है ना? हाँ? तो इतनी देर क्यों लगा दी? वो तो तुमने मुंह धोते हुए कभी देखा है क्या? यू मीन माउथ वॉश? हाँ, माउथ वॉश। उसे साथ में लाने का विचार आया, इसीलिए आने में देर हो गई। दिखाओ तो जरा। ये तो टॉयलेट साफ करने वाला है। इससे तो मैंने मुंह साफ किया। बिल्कुल सही साफ किया है। तुम्हारे मुंह के लिए एकदम परफेक्ट है। सर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर, हम तो आपके साथ ही आए हैं सर। मेरे साथ? हाँ? तुम्हें रास्ते में छोड़कर आया था ना। तो क्या हुआ सर, हमको अपनी ड्यूटी प्यारी है, इसीलिए आपकी जीप के पीछे झूलते हुए आए सर। झूलते हुए आए हो? हाँ? जीप के पीछे झूलना गलत है। हाँ? मंत्री लोग झूलते हैं तो हमने क्या गलत किया? सर, झूलने में बड़ा मजा आता है सर, एक बार आप भी झूल के देखिए ना सर। शट अप। मंत्री लोग तो 5 साल में एक बार बदल ही जाते हैं। हम लोगों को रिटायर होने तक यही सर्विस करनी है। ड्यूटी ठीक से करो, ओके? यस सर। सर, हम लोग अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे सर, बताइए हमारे लिए क्या काम है? सभी लोगों को चाय कॉफी सप्लाई करो। इससे तो अच्छा है किसी नाके पे बड़ा पाव बेचना। मार डालूंगा, याद रखना। अभी तक तो मिला नहीं और अभी से कह रहे हो मारूंगा? अरे भगवान। चंद्रा, समझ, आज तेरा खेल खत्म। आज तू नहीं बचेगी। ये आपने क्या किया? जल्द जल्दबाजी में आपने मुझको मार दिया। अब हमारे जाके बीड़ी लेके आ रहे। अभी वो पढ़ाई कर रहा है जी। अरे पढ़ के क्या कलेक्टर बनेगा वो? चला क्या करे आप, छोड़िए। चल चुप। मेरे लिए एक बीड़ी नहीं लाके दे सकता है वो? तू पढ़ा रही है, कलेक्टर बनेगा क्या वो पढ़ के? हाँ, कलेक्टर क्या जी, अगर हम लोग चाहेंगे तो उससे भी बड़ा आदमी बनेगा। खाने का ठिकाना नहीं है और चलिए ऐसे बड़ा आदमी बनाने के लिए बेशरम बे आया, चले आते। चल बड़ी आई पढ़ाई कराने वाली, चल आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ, मेरी बात नहीं मानती बेशरम। बच्चे को भी बिगाड़ के रखी, तू भी बिगड़ गई है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। चल हट, ए, 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 हट, हट। अरे नहीं, तेरी तो मारता है मुझे, बाप को मारता है, बेशरम का औलाद, बेशरम। माँ, क्या हुआ माँ? आपको तो सारा शरीर गर्म है, कहीं बुखार तो नहीं है? माँ, तुम अभी तक नहाए नहीं, जाओ जाओ स्कूल जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और अगर मैं स्कूल गया तो वहाँ पर मेरा जरा भी मन नहीं लगेगा। माँ, आज मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम पढ़ाई मत छोड़ना, मत छोड़ना पढ़ाई। अरे सुनो, तुम लोग अभी तक सो रहे हो क्यों रे? अभी तक तू नहाया नहीं क्या? मैंने तुझे कल जानबूझकर नहीं मारा था, वो तो ज्यादा दारू चढ़ गई थी इसलिए मैं होश में नहीं था। तुमने माँ को मारा उसी वजह से उनको बुखार आया, इसलिए वो सो रही है। बेटा, बेटा। तेरा बदन तो बहुत गर्म है संदीप की माँ, अगर मेरे पास पैसे होते तो अभी तुझे मैं हॉस्पिटल लेकर जाता। कोठारी जी, कोठारी जी। तुम हो, क्या हुआ? हमेशा की तरह जज साहब के घर में गटर ब्लॉक हो गया क्या? पापा जल्दी से जाकर आओ, पापा माँ को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। छी, अरे धत तेरे की, बहुत ही खराब बदबू आ रही है। देखो भाई, क्या है? इसके अंदर कचरा वचरा फंस गया लगता है, अगर 100 रुपए दोगे तो ये साफ हो जाएगा। 100 रुपए किस लिए बताओगे? किस लिए? अरे इसके अंदर उतरने से पहले जो मैं दारू पीऊंगा 50 उसके और 50 साफ सफाई करने के। Thank you.
के पास रहना, मैं अभी हाँ, जाकर बेटा जाओ। अरे रे रे, इसकी जात का बैदा मारू, सारा सामान खोलकर फिर से पीने चला गया। अगर सामने देख लिया तो इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे हमेशा गाली सुननी पड़ती है। ए, तू कहाँ जा रहा है? मेरे पापा के पास जा रहा हूँ। अरे रे रे, न जाने कौन सी दारू की दुकान में जाकर सो गया है, अब इसे साफ करने के लिए भी किसी और को बुलाकर लाना पड़ेगा। साहब, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं अगर इसे साफ कर दूंगा तो आप मुझे थोड़े पैसे देंगे? थोड़ी देर पहले तेरा बाप 100 रुपए ले गया है। ठीक है, तुझे 50 रुपए दूंगा, अच्छे से साफ करना, ठीक है? हाँ। पापा! हेलो हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स, डीजीपी से कनेक्ट कीजिए। सर, ये लीजिए आपका फोन। शंकर राय स्पीकिंग। हत्यारे को पकड़ लिया सर। वेरी गुड। हाँ सर, मुंबई और वाशी के हाईवे के नजदीक उसे पकड़ा है सर, बट बहुत ही मेहनत करनी पड़ी सर। हम दोनों के बीच जो फाइट हुई उसमें मजबूरन उसे शूट करना पड़ा, पर अब मैं उसे बचाना चाहता हूँ सर। इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, मैं उसे लेकर चन्नी रोड के नानावटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। प्लीज क्लियर द ट्रैफिक राइट नाउ। तुम जो कुछ चाहते हो मैं तुरंत कर लूंगा, लेकिन मुझे बताओगे वो कातिल है कौन? मैडम चंद्रा का दामाद है सर ये। हा? क्यों भाई, ये क्या मजाक है? बिलीव मी सर, ये कत्ल करने वाला प्रभाकर ही है सर। अरे भाई, तुम्हारे तेवर देखकर तो मेरा कलेजा बाहर आ जाता है। मैडम, मैं सत्यवती बोल रही हूँ, बोलो। अपना प्रभाकर, शांत रहो, जो करना है चुपचाप करो। प्रभाकर हॉस्पिटल नहीं पहुंचना चाहिए। जल्दी चलो, क्विक मूव, फास्टर। हॉस्पिटल के चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए,
स्टार्ट से ही वॉच रखिए। हॉस्पिटल में आने जाने वाले हर एक को मेटल डिटेक्टर से पास करवाइए। ओके सर। कम आप मेरी बात मानिए, सब ठीक हो जाएगा। आप पेशेंट के पास जाओ। ओके डॉक्टर। पेशेंट अब कैसा है डॉक्टर? ऑपरेशन ओवर, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आराम करने के लिए मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। हाँ, होश में आने में करीब 5 घंटे लगेंगे। कंट्रोल रूम। थैंक यू डॉक्टर। ओके, डीजीपी को कनेक्ट कीजिए। स्टॉप स्टॉप, आई एम सुपर पुलिस ऑफिसर फ्रॉम दिल्ली। यस आई एम टू। हेलो, प्रोसीड। अब तक अंदर आपने जिससे बात की है वो पुलिस ऑफिसर हमारे असिस्टेंट हैं। आई सी। प्रभाकर का ऑपरेशन आपने ही किया है ना? यस। इस संबंध में इनको कुछ डाउट है, उसे क्लियर कीजिए। पूछिए। नहीं, क्या पूछना है वही डाउट है। आप पूछिए। यस, आपका नाम क्या है? डॉक्टर पांडू। आपने आंडू कहा कि पांडू कहा? नॉनसेंस, किसने इन लोगों को अंदर आने दिया? प्रभाकर तो बच गया, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिया, मगर मेरे हिसाब से पेशेंट को मर जाना चाहिए। मैडम, असिस्टेंट कमिश्नर एंटनी जब तक यहाँ है, प्रभाकर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो कोई हिटलर या नेपोलियन नहीं है, मैं उसको नजरबंद करवा सकती हूँ। जैसा कहती हूँ वैसा करो। धनुष, अपनी हालत कितनी नीचे गिरी हुई है यार। देखो, शरीर में बुलेट लगाकर चलने वालों को एक हाथ पैर टूटे हुए आदमी की रखवाली करनी पड़ रही है। हम दोनों की रेंज क्या है यार? कम से कम दावे पकड़ने के लिए भेजा होता तो कोई बात होती यार। मोस्ट इंसल्ट। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। इस नौकरी से तो अच्छा था कि शमशान में चंडाल बनकर रहते, वही बेटर होता। तेरे चेहरे के हिसाब से तो सूट करता है, लेकिन मैं तो हैंडसम हूँ ना। मजाक मत करो, जल्दी कैप पहनो, नहीं तो अंदर से कोई आकर किडनैप कर लेगा। सर, आपसे मिलने कोई नीचे आपका इंतजार कर रहा है। कौन है? उसने बताया क्या? बोला आपका फ्रेंड है। चली जाए फिर भी सच मत बताना, ये सिद्धांत मुझे भी पता है। और वो किस लिए जानते हो? जन्म देने वाली माँ को और इस देश को आफत से बचाने के लिए, इसके लिए नहीं। बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, बताओ। एक्सक्यूज मी सर। सर, डीजीपी कॉलिंग। एंथनी हियर। प्रभाकर को होश आ गया है, अब तुम उसका ध्यान रखना। नो, स्टॉप इट, आई से। कौन है वो? यहां पर तुम्हें किसने भेजा है? प्रभाकर, प्रभाकर, प्रभाकर! प्रभाकर!
हम पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। तुमने जो कत्ल किए उसके बारे में सोचो, क्यों किए, किस लिए किए, बताओ मुझे। मुझे एक खून और करना है, मुझे एक खून और करना है, मुझे एक खून और करना है। शट अप, आर यू मेंटल? सर क्या मैं, आर यू मेंटल, आर यू सिक? यस यस आई एम मेंटल, आई एम सिक, मैं बदला लूंगा। प्रभाकर, प्रभाकर हटिए, हटिए, हटिए। डॉक्टर, नर्स, इमीडिएटली एक इंजेक्शन लेके आओ। यस डॉक्टर। क्या आई है? सॉरी, हम तो इंक्वायरी कर रहे थे, बट ये इमोशनल हो गया। इतने सारे लोग मिलकर अगर उसे टॉर्चर करेंगे तो इमोशनल नहीं होगा क्या? इट्स टू बैड। एक्सक्यूज मी सर, विथ योर काइंड परमिशन, इसे मैं हैंडल करना चाहूंगा सर। ओके, प्रोसीड। चलिए। प्रभाकर, प्रभाकर, प्रभा, प्रभा, एंथोनी, ए, अबे दिल्ली से कब आया? आज ही आया हूँ। और सब कैसा है? सब ठीक है। माँ कैसी है? एकदम ठीक है, तुम्हें याद करती है। और तेरी आईपीएस की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? आईपीएस सभी के लिए टफ है, मगर मुझे इसमें इंटरेस्ट था, इसलिए मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ तुम बताओ, तुमने कैसे लिखा है? हिलाकर रख दिया सभी को, राज्य में पहला नंबर आएगा मेरा। गुड, माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। हमसा नहीं कोई दिल वाला, तुझे देखा तो दिल हुआ मत वाला, दोनों हैं भोले भाले प्यारे से नंदलाला, आए हैं तुझको मनाने ही नंदलाला। कर ले चाहे जो भी यारा, छोड़ेंगे ना पीछा तेरा, हमसा नहीं कोई दिल वाला। तुझे देखा तो दिल हुआ मत वाला। अप्सरा तो स्वर्ग की है तू, आंखों में है सपने तेरे, मेरे दिल में तो बसी है तू। आ रख लूं तुझे इस दिल में छुपा, दुनिया से अब हम तौबा कर ले। हाँ हम पिएंगे तेरे अखियों से, हाँ चल पास आ कुछ नया कर ले। राहों में खड़े हैं कितने दीवाने, गुर गुर काया मेरे हाथ न लगा। होगा हमसा नहीं कोई दिल वाला। नंदलाला, नंदलाला,
तुझे देखा तो दिल हुआ मतवाला नंदलाला नंदलाला। करने को तो बातें हैं बड़ी सुन ले रानी दिल ने जो कहा ये है कैसी आफत आ पड़ी जब से मैंने प्यार कर लिया चाहा तुझे मैंने जाने जा ये रूप खिला है तेरा मेरे लिए हम लुट भी जाए परवाह नहीं ऐसे ही चाहेंगे तुझको सदा किसको मिलूंगी कहां मैं चलूंगी ये तो मुझे कभी अभी नहीं है पता होगा हमसा नहीं कोई दिल वाला नंदलाला नंदलाला तुझे देखा तो दिल हुआ मतवाला नंदलाला अरे दोनों हैं भोले भाले प्यार से नंदलाला नंदलाला आए हैं तुझको मनाने ही नंदलाला नंदलाला तू कर ले चाहे जो भी यारा छोड़ेंगे ना पीछा तेरा नंदलाला नंदलाला आराम से खाओ यार। माँ 500 रुपए देकर 5-star होटल में भी खाना खा लूं तो भी इस तरह का आनंद और तृप्ति नहीं मिलती, ऐसा क्यों माँ? आदमी को अगर भूख लगती है तो उसे कोई भी खाना खिला सकता है जिससे उसका पेट भर सकता है, लेकिन मन नहीं। मन की तृप्ति उसे माँ के हाथों से बने खाने से ही मिल सकती है। हाँ बेटा, पहले तो सभी ऐसा कहते हैं मगर शादी के बाद अपनी बीवी के पल्लू में घुस जाते हैं। मेरा मतलब है चोरी पकड़ी जाएगी तो बहाने करके भागने लगोगे, मुझे पता नहीं है क्या? नहीं, वो ये है। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अरे हाँ निकाल दे इसे बेटा, निकाल दे निकाल दे। अरे रे कितना बड़ा पत्थर है, मैं भी कैसी पागल हूँ, खाने में पत्थर दे दिया। बचपन में ही मेरी माँ ने मुझे अनाथ समझ कर छोड़ दिया और तब से आप ही ने मेरा ख्याल रखा है माँ। सुनो राधा एक बात बताओ। क्या बताऊं? इस पिंजरे में इतने पक्षी हैं, कौन नर है और कौन मादा कैसे पता चलेगा? इस शक को दूर करने के लिए तुम्हें माइक्रोस्कोप से या बायोस्कोप से देखते ही पता लगाना होगा। अरे हट, कोई आसान रास्ता बताना। साधारण सी बात है, मर्द जात को गुस्सा बहुत जल्दी आता है ना, हम मिलकर एक काम करते हैं, इन सारे पक्षियों को अलग अलग कर देते हैं, जो ज्यादा शोर मचाएगा वो नर है और बाकी सारी मादा है, समझ गयी? अरे वाह तेरे पास दिमाग है, मुझे पता ही नहीं था। सुपर आइडिया, निकालो इन्हें। चलो निकालो 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 निकाल दे यहाँ से। आइए जल्दी जल्दी। स्टॉप इट, ऐसे क्यों चला रहे हो? ये भी इन्हीं की तरह एक मर्द है ना। मैंने सही कहा ना सर? मैं मर्द हूँ इस बात को साबित करने के लिए मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों के औरत होने पर मुझे शक हो रहा है। किस तरह का शक हो रहा है? बताता हूँ, जानना चाहती हो तो सुनो। अगर किसी फूल की रंगत को देखना है तो उसकी खुशबू को महसूस करना जरूरी होता है, और उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात समझ गई होगी। अब तुम्हारी वजह से जो इन पक्षियों को तकलीफ हो रही है ना, उसे देखकर तुम खुश हो रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। सर आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वजह से इन पक्षियों को कोई तकलीफ नहीं हुई है। इतने सारे लव बर्ड्स में से आपने एक घायल पंछी को कैसे ढूंढा? प्यार और दर्द के बीच में जो फासला है वो मुझे पता है, अगर उसे महसूस करना है दिल में प्यार का होना जरूरी है। क्या यार भाषण देकर चला गया, वो फॉरेस्ट ऑफिसर है या फिर सचिदानंद जी का चेला? वही तो बात है यार, चेहरा देखकर लगता है जैसे अपने गांव का मुखिया है, लेकिन दिल से लगता है जैसे स्वामी विवेकानंद है। और उस मुलाकात के बाद मैं और लक्ष्मी हर रोज मिलने
मैंने और लक्ष्मी ने शादी करने का पक्का फैसला कर लिया था। लक्ष्मी एक बहुत बड़े घर की बेटी थी। इस शादी के लिए उसके घर वाले राजी नहीं होंगे जानते हुए भी माने उनसे पूछा, मगर कुछ कहे बिना वो लोग हमारी शादी के लिए तैयार हो गए। वैसे एक बड़े घर का बाप अपनी बेटी को अपने से ज्यादा पैसे वाले और पढ़े लिखे आदमी को ही देना पसंद करता है, पर ना जाने क्यों उन्होंने मुझ में ऐसा क्या देखा और शादी के लिए राजी हो गए। क्या हुआ जी, आप इस तरह जंगली बिल्ली की तरह क्यों घूम रहे हो? क्या कहूँ भगवान, अरे हमारे बुजुर्गों के पास कुछ अनुभव रहा होगा तभी तो उन्होंने ये कहा है। अरे मैं भी एक लड़की का बाप हूँ, मुझे भी तो टेंशन रहेगा ना। मेरा दिल घबराया हुआ है इसलिए यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ। चंद्रा तो मुझे गलत मत समझना, अरे हमारी जायदाद देखकर तो एक से एक करोड़पति लड़कों की लाइन लग जाएगी यहाँ। समझ नहीं आता उस फॉरेस्ट ऑफिसर को ही अपना दामाद बनाने पे क्यों तुली हो तुम। अब सुनो, हम जो नई लिक्का फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं तो गांजे के पौधों का पालन और चंदन की स्मगलिंग के लिए ये जंगल हमारे लिए बेटर है, और इन सब कामों के लिए अपना ऑफिसर जरूरी है। अगर वो ऑफिसर हमारा दामाद हो तो। धत तेरे की, अरे ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। चंद्रा तूने बहुत बड़ी गलती की जो 25 सालों से मुझे बेडरूम के बाहर सुला रही हो। अगर बेडरूम में सोने दिया होता तो अब तक कम से कम 15-20 दामादों की पूरी फौज खड़ी कर दी होती मैंने, और सारे डिपार्टमेंट हमारे कब्जे में होते। हाँ जी बिल्कुल सही कहा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और तुम्हारी जवानी भी पूरी बरकरार है। बोलो क्या इरादा है तुम्हारा? ये क्या आप भी ना? अरे मुझे इस तरह की कोई चाहत नहीं रही, मैं तो सिर्फ बिजनेस डेवलप करने के लिए कह रहा था। आपको अपने पास बिठाना गलत है ये मुझे अभी पता चला। अब तो मैं चलता हूँ। शादी हो जाने के बाद मैं और लक्ष्मी बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। एक साल बाद लक्ष्मी ने एक बेटे को जन्म दिया। हर साल उसका जन्मदिन लक्ष्मी अपनी माँ चंद्रा जी के घर पर जाकर बड़ी धूमधाम से मनाया करती थी, और उसकी माँ भी जन्मदिन की तैयारी बड़ी धूमधाम से करती थी। क्यों भाई रामचंद्र जी कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आपको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा, माफी चाहूंगा। बताइए मेरे लायक कोई सेवा है क्या? हाँ जी। तुम तो दूसरी पार्टी के एमएलए हो, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अभी मैंने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है ना। ऐसा बोलो ना, नहीं तो अभी तक तो तुम्हारे हाथ पैर टूट जाते। वैसे इस पार्टी में कितने दिन रहोगे? मरते दम तक आपकी पार्टी में ही रहूंगा, मैंने फैसला किया। काम करो। वो क्या जी? कल शाम तक तुम आत्महत्या कर लो। अरे रे, क्योंकि मौत से डरने वालों की इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। क्यों दादा, ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। खड़े तो हो नहीं सकते और कुर्सी चाहिए। ये शॉल किसकी है? मेरी ही है। और कहे तो पहन कर आओगे क्या? क्या यूनिफॉर्म है? अरे ऊटी या कश्मीर जाते हैं तब पहनते हैं इसे। इतनी भयंकर गर्मी में यूनिफॉर्म को भूलकर इसे पहने हो? यूनिफॉर्म होती है पैंट शर्ट। अरे तुम खाना बना लिया क्या? खाना बनाने के बाद ही यहाँ आया हूँ। मंत्रियों के साथ ऐसे खड़े हो, इस जन्म में मंत्री बन पाओगे क्या? आपकी दया रही तो बनूंगा साहब। आज मेरे नाती का बर्थडे है। रूटीन में हैप्पी बर्थडे टू यू तो सभी बोलते हैं, मगर कुछ अलग अंदाज से गाओगे? मेरे गाने से हमारी पार्टी पावर में आई है साहब। अच्छा, तुम्हारे गाने के कारण अगर पार्टी पावर में आई है तो गा के बताओ। डालो अपना वोट निशान हमारा ताला, डालो अपना वोट निशान हमारा। उस ताले की चाबी किसके पास है पता है तुझे? नहीं पता है जी। जिस दिन ये पता चल गया उस दिन इस जमीन पर नहीं रहेगा, सीधा ऊपर निकल जाएगा बेवकूफ। ए चलो केक काटो। केक काटो बेटा। चंद्रा सीएम नहीं आया अभी तक। वैसे भी सीएम आए या ना आए हमें क्या फर्क पड़ता है। केक काटो बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विजय, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। थैंक यू डैडी। पहले नानी माँ को खिलाओ। हाँ भाई, चंद्रा इस स्टेट में नंबर वन है तो इस घर में भी नंबर वन ही होगी ना। नाना जी को? तुम्हारे नाना जी को शुगर का प्रॉब्लम है। अब दादी माँ को खिलाओ। नमस्कार। इतनी देर? नमस्कार, आने में थोड़ी देर हो गई। कोई मीटिंग रही होगी, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ ना? टेक इट। थैंक यू अंकल। आज आपकी शायद कोई कमिटी मीटिंग है, जाकर आइए। नमस्ते। अपने इस देश में जनता के हिसाबों से ज्यादा जरूरी है कमेटी का हिसाब। वैसे इस कमेटी में होता क्या है? चुप रहिए ना। देखो भाई, गहने संभाल के उतारना, नहीं तो पिछले बार कंगन गायब हो गए थे तो पूरा घर छानना पड़ा था। अच्छा चंद्रा, गोल्ड और डायमंड पे अगर बैन लग जाए तो शायद तुम तो सुसाइड ही कर लोगी। आज आप कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा, इधर आओ, कपड़े पहनो। नानी प्लीज। अरे बेटा आओ ना जल्दी बेटा, हमें गांव जाना है, जल्दी कपड़े पहनो बेटा। दामाद जी, गांव जाने की इतनी जल्दी क्या है? शादी की हुई अभी कितने साल हुए हैं आपको? हमें बदलापुर जाना है, जॉब कॉल आया हुआ है। जॉब कॉल आया है तो क्या हुआ, ये लोग अभी यहीं रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। कुछ भी नुकसान नहीं होगा,
चंद्रा तुम भी तो कुछ बोलो ना। दामाद जी अकेले जाएंगे। हाँ। आप लोग यहाँ रुकिए। इसकी बात को कोई नहीं टाल सकता। तुम लोग रुको, मैं अभी नेकलेस लेकर आता हूँ। सुनो बेटा, मैं आज ही गांव जाना चाहती हूँ। अब सासू माँ इतना जिद कर रही है माँ, तो रुक जाओ ना, मैं आपको बाद में लेता जाऊंगा। सासू माँ, हम कुछ दिन बाद चलेंगे। मैं यहीं रुक जाती हूँ, ठीक है माँ? मैं जाकर आता हूँ। लक्ष्मी, तुम माँ का और इसका ध्यान रखना। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। जल्दी आना बेटा, आशीर्वाद दो माँ। ए, बिल्कुल शरारत मत करना, ध्यान रखना। ये किस तरह का इंसाफ है? 5 साल पहले तक अमरनाथ में पापड़ बनाकर बेचने वाली उस चंद्रा ने ऐसे कैसे सारे महाराष्ट्र में जायदाद बनाकर सारे देश को लूट रही है? उसके खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इसके पीछे क्या कारण है? सर, गवर्नमेंट उसके हाथ में है सर। सारा डिपार्टमेंट उसके सामने हाथ बांधे खड़ा रहता है। उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है सर। रिश्वतखोरों से भरा पड़ा है अपना पुलिस डिपार्टमेंट। हम कर भी क्या सकते हैं सर? सर, आप CBI ऑफिसर हैं और आप उसे अरेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए मैंने जो भी डिटेल्स मेरे पास थे आपको हैंडओवर कर दिए। सर, अगर ये बात बाहर गई तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। डोंट वरी इंस्पेक्टर, आपके ऊपर किसी तरह की आंच नहीं आएगी। थैंक यू सर। बैठो लक्ष्मी। छोटू तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? जी नहीं। सुनिए, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्यों लक्ष्मी? आप आज चंद्रा के घर रेड डालने जा रहे हैं ना, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी प्यारी लक्ष्मी, मैं स्टेट गवर्नमेंट का एक डरपोक ऑफिसर नहीं हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का CBI ऑफिसर हूँ। मेरे पास पूरा पावर है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तुम मत डरो। We are all CBI officers. ये CBI क्या होता है? CBI का मतलब नहीं जानते आप? Central Bureau of Investigation. ओह, तो ये है CBI। मैं world famous criminal हूँ। हमारा तुम्हारे ऊपर जो शक था वो बिल्कुल सही निकला। कैसा शक था आपको? रूलिंग पार्टी के MP मोहन लाल को स्मगलिंग के केस में दिल्ली कस्टम डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया है। इस केस में आपका भी हाथ है, ऐसा उनका बयान है। इसी वजह से हमने ये रेड डाली है। इस स्टेट में रहने वाले सारे राजनेता, सभी मिनिस्टर्स, अगर मेरी साड़ी का घूंघट भी देखते हैं तो सलाम करते हैं। आपके लिए बड़े होंगे CM विष्णु मराठा, और उनसे बड़ी हूँ मैं। मेरे सामने तुम सभी फालतू हो। शट अप। तुम्हारा घमंड इसी इलाके में है ना, वो भी कुछ दिनों के लिए। अगर हमने एक्शन लिया तो तुम्हें कानून का पता चल जाएगा। CBI, कानून का नाम लेकर मुझे मत डराना। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मुझे देखते ही अच्छे अच्छे ठंडे पड़ जाते हैं और टकराने वाले बारूद भी हिलकर रह जाते हैं। बारूद चाहे हिलकर रह जाता हो, तुम कितना भी फ्रॉड करो मगर CBI से नहीं छुपा सकती। अंडरस्टैंड? हम तलाशी जरूर लेंगे। चापलूसों को सिर्फ चापलूसी ही करनी चाहिए। अगर आग को छूने की कोशिश करोगे तो जलकर राख हो जाओगे। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, उस MP मोहन लाल से मेरा किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता नहीं है। ये स्टेटमेंट मुझे लिखकर चाहिए। मगर उससे पहले मैं क्या करूँगी, मेरा उससे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं है, ये मैगजीन और न्यूज में दे दूंगी। और एक बात, यहाँ पर एक खून हुआ है या आप लोगों में से किसी ने बताया, और अगर गलती से जुबान फिसल गई तो उसकी डेड बॉडी का पता नहीं चलेगा। रुको, रुको,
छोड़कर बच्चा रुको गाड़ी रुको रुको में भीग गया हूं ना, बहुत ठंड लग रही है। अरे लकड़ियां डाल और आग तेज कर, जल्दी जला, इतना बड़ा शरीर लेकर दा हुआ है। चंद्रा मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो, कहीं मुझे भी तो आग में धक्का देने का इरादा नहीं है? मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं देखा। चंद्रा लगता है बेटी आ गई। माँ क्या हुआ? माँ बेटी तुम्हारी सासू माँ ने लाइट जलाने के लिए गीले हाथ से स्विच ऑन कर दिया, 3 फेज पावर था, बहुत जोर से करंट लगा है। सासू माँ देखा। सासू माँ, दादी माँ, ये सब क्या हो गया माँ? अब मैं क्या करूँ माँ? ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा? क्या हो गया माँ? साहब जी, तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में पैदा होने वाली पार्वती जाता की तरह से संसार में कुछ ऐसा वैसा भी हो जाए तो भी इनकी उम्र बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं जजमान, सूर्य चंद्रमा गुरु ये तीनों इनके उच्च स्थिति में विराजमान हैं, इसीलिए इन्हें हार्ट अटैक भी आ जाना तो मौत इन्हें 80 साल तक छू नहीं बस पाएगी। बस करो यार, तुम अपनी कहानी मुझे सुना रहे हो? अगर कुंडली देखकर किसी के हार्ट अटैक का पता लग जाता तो हजारों लाखों रुपए खर्च करके लोग डॉक्टरी की पढ़ाई क्यों करते? अगर ऐसा होता तो गली गली में पंचांग लेकर लोग घूम रहे होते। पैसे दीजिए। ये लीजिए और आपस में बांट लीजिए, जाइए। नमस्कार जी। चंद्रा, तुम्हारा क्रिमिनल ब्रेन पहले तो सिर्फ महाराष्ट्र तक ही काम करता था, आजकल ये क्या ऑल इंडिया लेवल पर काम करता है? मैं क्रिमिनल हूँ क्या? यस, वी आर क्रिमिनल्स। शक्ल से तुम भले ही भोली दिखती हो लेकिन दिमाग तो क्रिमिनल का है ना। तुमने 100 रुपए चुराए ना? परसेंटेज तो लेना पड़ता है ना। डॉक्टर, मेरी सासू माँ को क्या हो गया डॉक्टर? आई थिंक इट इज पैरालिटिक अटैक, डोंट वरी, मैं इमीडिएट ट्रीटमेंट की तैयारी करता हूँ। जल्दी कीजिए डॉक्टर। डॉक्टर, उस बुढ़िया की कंडीशन कैसी है? जान का खतरा तो नहीं है मैडम, लकवा मारा है। अगर कुछ दिन ट्रीटमेंट करेंगे तो वो उठ सकती है, चल सकती है और बातें भी कर सकती है। देखो भाई, उसे चलने दो, पीटी उषा की तरह उड़ उड़कर भी अगर गोल्ड मेडल जीते तो हमें कोई एतराज नहीं है, मगर एक बात है, उसका मुंह नहीं खुलना चाहिए। इसका मतलब आपके हिसाब से वो और 10-15 साल जिएगी ना? 20-25 साल जी सकती है मैडम। उसे नहीं जीना चाहिए, मार दीजिए उसे। चंद्रा, योर जजमेंट इज सुपर। अगर इस बुढ़िया ने अपना मुंह खोल दिया और दामाजी को सब कुछ बता दिया तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। हम जो देशद्रोह का काम करते हैं वो कल सारे मीडिया और सारे न्यूज़पेपरों में छप जाएगा, समझे तुम? जनता तो न्यूज़पेपर पढ़कर बनिया की दुकान में बेच देगी, मगर अपने दामाद को पता चल गया तो वो सुप्रीम कोर्ट जाकर भी गवाही देगा। उसके गवाह बनने से पहले ही उसे खत्म कर दो। मतलब नॉर्मल तरीके से पॉइजन दे दीजिए। क्या प्रभाकर को बुलाऊं?
हाँ, नहीं हाँ वो बस आते ही होंगे। हाँ हाँ माँ जी, हाँ माँ जी संभालिए अपने आप को माँ जी, हाँ वो आ रहे हैं माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ हाँ मैंने उन्हें बुलाया, वो आते होंगे माँ जी प्लीज अब मत रोइए, संभालिए अपने आप को, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ जी, प्लीज ऐसे मत रोइए आप। जल्दी कुछ कीजिए, देखिए ना क्या हो रहा है माँ को। हाँ माँ ये डॉक्टर ही आपका इलाज करेंगे, आप बिल्कुल मत डरिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए माँ आप जिद मत लिए, देखिए कुछ नहीं होगा माँ जी आपका इलाज करने आया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप जिद मत करिए माँ जी, प्लीज समझिए मैं सही कह रही हूँ। आप तो बहुत ही ज्यादा डरपोक लगती हो, इंजेक्शन लगवाने से कोई डरता है क्या? डॉक्टर मुझे लगाइए माँ जी। चुप हो जाओ दादी माँ, इंजेक्शन लगवाने से सिर्फ चींटी के काटने जैसा दर्द होता है, फिर हम छुपा छुपी खेलेंगे ना। डॉक्टर लगाइए, कैसा शोर है माँ, समझाइए इन्हें। डॉक्टर इंजेक्शन दीजिए, पकड़ो बेटी। बेटा तू अपनी दादी माँ के पैर पकड़, अरे तुम कर, लगाओ उसे, अरे तुम पकड़ो, पकड़ो, आप भी पकड़िए। संभालिए अपने आप को माँ जी, माँ जी हाँ सब ठीक। ये बहुत बुरा सपना था। इतने से काम को करवाने के लिए इतना परेशान कर दिया। आइए डॉक्टर साहब। देखा ना माँ, बस थोड़ी सी बात थी, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ बस अब आप पीछे आराम से लेट जाइए। घर के अंदर बीबी आराम से सो रही है और बाहर पति कुत्तों की तरह पैरा दे रहा है। नाना जी मैं आपको इंजेक्शन दूंगा। रुक जा, इंजेक्शन देगा? तू डॉक्टर है क्या? हाँ डॉक्टर हूँ। ए ईमानदारी से डॉक्टर इस देश में ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। अगर शैतानी दिमाग रखते हो तो डॉक्टर की डिग्री वैसे ही मिल जाएगी। और हाँ मुझे किस बीमारी का इंजेक्शन लगा रहा है तू? एड्स। एड्स? कैसी बात कर रहा है तू? ये सब तुझे कहाँ पता लगा? टीवी में दिखाते है ना। बेटा एड्स की बीमारी का तो पता चल गया तुझे, मगर जो अंदर है ना मेरी बीबी, उसे एक भयंकर बीमारी है, वो है पैसों की बीमारी। अगर कोई दवा है तो उसे दे दे। ये इंजेक्शन कहाँ मिला? दादी माँ का इंजेक्शन है। अरे अरे मुझे नहीं लगाना ये इंजेक्शन। लगवा लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, अरे दूर, अरे क्या कर रहा है? अरे नाना जी इंजेक्शन से सिर्फ चींटी काटने जैसा दर्द होता है। चोर कोई चींटी काटेगी तो वो किसे बताएगा बेटा? इसे फेंक दे, फेंक दे, फेंक दे इसे। अरे नहीं, इंजेक्शन लगा के नहीं दूंगा। हेलो लक्ष्मी, मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। विजय कैसा है? विजय विजय एकदम ठीक है। अच्छा माँ को फोन दो। माँ 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 को क्या हुआ? माँ 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 को क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? माँ को क्या हुआ लक्ष्मी? माँ 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 क्या हुआ बेटा? माँ हाँ हाँ बोलो। हाँ माँ, दादी माँ के मुंह से ना कुछ निकल कुछ रहा है। निकल रहा है मतलब? हाँ माँ। हेलो हाँ हाँ नहीं नहीं, आपके आने से मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाएगा। हाँ सिर्फ काम पे ध्यान दीजिए। दामाजी दामाजी आपकी माता जी हमें छोड़कर चली गई। दामाजी मैंने उन्हें कभी समझन नहीं समझा, हमेशा अपनी बहन की तरह माना। वो ट्रक के नीचे आकर मर जाती तो कोई बात नहीं थी, बस के नीचे गिरकर मर जाती तो कोई बात नहीं। अरे जरा सा बिजली का करंट लगने भर से मर गई, सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है। अरे मुझे भी तो दिल की बीमारी है, भगवान मुझे उठा लेता उनकी जगह। हे भगवान इनको क्यों उठा लिया? अरे 100 साल तक जिंदा रहती तो मुझे और दामाद को कम से कम अपनी छांव में रखती, प्यार मिलता है प्रभु। माँ माँ माँ
नाटक करना ही तो मेरी रोजी रोटी है, नेतागिरी का एक जरूरी हिस्सा। अगर ये नहीं करूंगा तो राजनीति की दुकान कैसे चलेगी मेरी? नाटक करने में तो स्पेशलिस्ट हूं मैं। एक सौ दो डिग्री मालूम पड़ता है। जुबान को लंबा करो, फीका पन लग रहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। डॉक्टर मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। नहीं नहीं कुछ बोलो ना माँ। डॉक्टर मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए बेटा। तुम कुछ बोलो ना माँ, प्लीज माँ, प्लीज कुछ बोलो ना माँ, प्लीज माँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, इंजेक्शन से तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। नहीं ऐसे से नहीं करते बेटा, देखो प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे मान जाओ, मत बोलो। डॉक्टर मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, डॉक्टर मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, प्लीज डॉक्टर। तुम्हें कहाँ पर लगवाना है तुम ही बता दो, दर्द जरा भी नहीं होगा। अगर वो इंजेक्शन से डर रहा है तो मत लगाइए, इसके बजाय उसे आप कोई टॉनिक या टैबलेट दे दीजिए डॉक्टर। ओके कोई टैबलेट दे दीजिए ना। ठीक है मैं कुछ टैबलेट्स देकर जाता हूँ, मॉर्निंग में दोबारा देख लूंगा। तुम ठीक हो जाओगे बेटा। माँ माँ मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है माँ। विजय माँ माँ विजय कहिए ना माँ, विजय ये क्या बड़बड़ा रहे हो? पापा पापा मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है पापा। दादी माँ भी इंजेक्शन लगवाने के लिए मना करती थी, इसी डॉक्टर ने उनको जबरदस्ती इंजेक्शन लगाया दिया था। उनके हाथ माँ ने पकड़ लिए थे और डॉक्टर ने मुझसे पैर पकड़ने के लिए कहा था और फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। फिर दादी माँ के मुँह से कुछ निकलने लगा और फिर वो मर गयी। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है पापा। यही इंजेक्शन से दादी माँ मरी थी। No doubt, Python. No! क्यों प्रभाकर, तुम्हारी माँ को इस तरह पॉइजन देकर मार दिया ये जानते हुए इसका क्या कारण था? या किसी गवाह का तुमने पता लगाया? पता लगाने की क्या जरूरत थी, बच्चे भगवान का रूप होते हैं ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा है। मेरी माँ की मौत किस तरह से हुई सब कुछ मेरे बेटे ने बता दिया, उसके बाद मुझे किसी गवाह की जरूरत नहीं, कुछ जानने की जरूरत नहीं। ठीक है प्रभा, तुम्हारी माँ को मार दिया ये जानकर तुमने अपने दुश्मन को मार दिया, ये किसी आम आदमी का इंतकाम था। लेकिन तुमने जिससे प्यार किया, जिससे शादी की, उससे क्यों मार दिया? उसने कौन सा गुनाह किया था, कौन सा पाप किया था? उसे प्यार करके मैं बहुत खुश था, उससे शादी करके मैं और भी खुश था। मेरी माँ की मौत की जिम्मेदार वो भी थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। नो, एक गुस्से के गुलाम बनकर तुमने ये सारे कत्ल किए हैं। तुम्हारे अनुराग में, तुम्हारी शादी में और तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की तकलीफ ना रहे, इसलिए तुम्हारी माँ को क्यों मारेगी तुम्हारी पत्नी? हाँ, उनकी मौत से उसे क्या फायदा? मैं गलत हो सकता हूँ और पाप भी हो सकता है। ये चावल से कंकड़ चुनते समय हम कुछ चावल के दाने भी फेंक देते हैं, किस्मत में जो लिखा होता है वो सब सच हो जाता है। इतनी समझदारी भरी बातें कर रहे हो ना, जब तुम्हारी माँ की मौत हुई तो पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? यही तो तुम्हारे और मेरे बीच में एक फर्क है। हत्यारे को उसकी सजा देने के लिए आपकी आईपीसी में एक ही सेक्शन है और उसी हत्यारे को बचाने के लिए बहुत सारे सेक्शन भी हैं। मेरी माँ की मौत का पता चलते ही मेरा खून खौल गया और मैं गुस्से से पागल हो गया, पर मैंने कुछ नहीं किया। जानते हो क्यों? मेरी माँ मुझे अनाज छोड़कर चली गई थी और मैं नहीं चाहता कि मैं भी अपने बेटे को अनाज छोड़कर फांसी के फंदे पर झूल जाऊं। जिस तरह उन्होंने मेरी माँ को चुपचाप मौत के घाट उतार दिया था, उसी तरह मैं भी एक एक करके उन लोगों को मौत के घाट उतार देना चाहता था। मैं धीरे धीरे अपने काम को अंजाम भी दे रहा था। ये मेरा बैड टाइम है जो मैं तेरे हाथों पड़ गया। तेरा गुड टाइम है। मेरी बात सुनो, मैं उस चंद्रा को जान से मार देना चाहता हूँ, बस एक मौका दो मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। नो, इट्स इम्पॉसिबल। उस चंद्रा को मैं खुद कानून के हाथों से सजा दिलवाऊंगा, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। नो एंथोनी, तुम सिर्फ मुझे एक बार छोड़ दो, मैं उसे मारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी भर गुलामी करूंगा, मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। सुनो एंथोनी, मेरे यार, मेरे दोस्त, प्लीज मेरी बात सुनो, छोड़ दो मुझे एक बार। चंद्रा सर, चंद्रा, सर
प्रभाकर की माँ की जो मौत हुई है उस पर मुझे शक है। क्या शक है? यही कि 100 साल जीने वाली औरत आधे में ही ऊपर चली गई, यही क्या? नहीं सर, 100 साल जीने वाली औरत को बेरहमी से मार दिया ये जानकर। व्हाट? हत्या? यस। नो नो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नेचुरल डेथ लिखा हुआ है। जी हाँ सर, रिश्वतखोर पुलिस वाले और डॉक्टर, इन लोगों की रिपोर्ट हमेशा ही गुनहगारों को सपोर्ट करती है। तो यह हत्या किसने की जानते हो तुम? चंद्रा, इस देश के ऊपर लगा हुआ 7.5 साल का शनि है वो, उसी के बारे में कह रहा हूँ। जिस चंद्रा को तुम 7.5 ही कह रहे हो, वही इस राज्य के नेताओं की एक महादेवी है, आई मीन लक्ष्मी। उसके बारे में कोई कुछ भी कहे मुझे कोई मतलब नहीं। प्रभाकर की माँ की डेड बॉडी का मुझे दोबारा पोस्टमार्टम करवाना है, बस आपकी परमिशन चाहिए सर। मिस्टर, एंथोनी को दिल्ली से यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि वह प्रभाकर को अरेस्ट कर सके, उसकी माँ की डेड बॉडी के संबंध में पूछताछ के लिए नहीं। अगर सपोज किसी ने पूछा ये सब क्यों हो रहा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आपके द्वारा तैयार की गई टाइगर ऑपरेशन का इंचार्ज मैं ही हूँ ना? हाँ, ये रीपोस्टमार्टम उसी केस से संबंधित है, ऐसा जो आपसे पूछे उसे आप बता देना। Hey, गाड़ी रुक भाई। क्या हुआ? This is crime area. Come on, fast. Charge. Old line. सभी लोग सो जाओ. This is crime area. सभी लोग सुनो. देवी, इन तीनों में से किसी लड़के को पहचानती हो क्या? नहीं सर। क्यों रे, तू इस लड़की का भाई है क्या? ये लड़की तुम्हारी बहन है क्या? तुम उस लड़की के पति हो क्या? नहीं सर। तेरी तो। तो तुम इन तीनों को जानते नहीं हो? तो बस स्टॉप पर अकेली खड़ी हुई एक लड़की को इतनी हिम्मत के साथ ये सारे के सारे टपोरी मिलकर छेड़ रहे हैं। धनुष चार्ज। सर, सारे गुंडे भागे जा रहे हैं। सर ओवर, धनुष मार रहा है। सर ओवर, गुंडे भागे जा रहे हैं। सर ओवर, सर यस सर ओवर। देखा, सबको कुत्तों की तरह मारकर भगा दिया। सिस्टर ऑफिस जाए चाहे अपने घर को जाए, हम उसको साथ साथ छोड़ कर आएंगे। धनुष, सिस्टर को गाड़ी में बैठाओ। तेरी तो मेरे सारे बिजनेस की वाट लगा दी। सिस्टर, तुम्हारे बिजनेस की वाट कैसे लग गई? मैंने उसे 1000 रुपए मांगे थे, उसने कम करके 500 कहा। मैंने थोड़े बढ़ा के 700 कहा, उसने थोड़ा कम करके 600 कहा। हमारी डील फाइनल ही हो जाती, लेकिन इसने बीच में आकर सब गड़बड़ कर दी। सॉरी सिस्टर, मैं उन्हें वापस ले आता हूं। अपना बिजनेस ही बदल जाएगा यार। मैं अभी बदल देती हूँ। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, ये दोनों मिलके मेरा रेप करें, मुझे जल्दी बचाइए, आप जल्दी यहाँ पर। हेलो हेलो, अरे पकड़ो पकड़ो, से पकड़ो, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, पकड़ो उन दोनों को। रुको रुको रुको, गाड़ी रोके सर, रोके सर, रोके सर, अंदर आओ। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। चल चल चल, चलिए सर। अरे रे रे, एक गाड़ी तो दूसरे रूट पर जा रही, आप कहीं और जाएंगे पता होता तो हम लोग गाड़ी में बैठते ही नहीं। सर गाड़ी को रोक दी सर। इस तरह भागते भागते क्यों आ रहे थे? सर वो क्या है कि और वो लड़की कौन थी? सर हम लोग तो उस लड़की से अपने केस के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे, लेकिन वो क्या है? तब पता चला सर क्यों लड़की खुद ये केस है। इसीलिए मैं तुझसे कोई बात नहीं बताना चाहता, तू ये सब सर से क्यों बता रहा है? ए, तुम्हारी बताई कोई बात मैंने किसी को बताई है क्या? मैंने क्या बताया? तुमने उस दिन बताया नहीं था जब ये उस समय उस टकले को पकड़ कर पूछताछ कर रहे थे, तो उसी समय इनके लिए डीजीपी के यहाँ से एक फोन आया था, ये सुनकर तुरंत ही फोन रिसीव करने चले गए थे। उसी बीच में इन्होंने उस कैदी की रस्सी खोल दी, फिर उसे भगाया, और साहब के आते ही कोई भागने वाले कैदी की तरह उसे शूट कर दिया, और इन पर कोई शक भी नहीं गया। बताओ मैंने किसको बताया? किसी से बात की मैंने? मैडम मैडम बिल्कुल यकीन मत करना, झूठ बोल रहा है मैडम। सर पहले इनको नीचे उतारिए प्लीज। आपको कहने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही नीचे उतर जाएंगे, लेकिन उतरने के पहले एक बात बोलूंगा, आप हमेशा एक ही स्टाइल में सिगरेट फूंकती रहती हैं, ये हमें अच्छा नहीं लगता। मैं चलता हूँ। एकदम रजनीकांत स्टाइल मैडम। सर रूट क्लियर है, चलिए। अरे अरे ये नीचे गिरा है, चलो उठा लो, जल्दी करो, चलो। सर सेम नेचुरल डेथ, ये लीजिए सर। तुम हेडक्वार्टर्स जा सकती हो। सर इतनी एक्टिंग मत करो, सब पता है मुझे, जाओ यहां से, आउट। इस रिवॉल्वर में सिर्फ एक ही बुलेट है, इसी बुलेट से तुम्हें खत्म करके इसी तरह एक और डेथ सर्टिफिकेट तुम्हें दिलवा दूंगा। माँ को
पॉइजन का इंजेक्शन दिया गया था। चंद्रा ने मुझे झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था। चल यहां से। चंद्रा बोल रही थी कोई जरूरी बात करनी है, क्या बात है? वो मैटर तुम्हें पता नहीं है क्या, या फिर एक्टिंग कर रहे हो? मैं तो एक्टर ही हूँ, जनता के सामने एक्टिंग करता हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरी सारी एक्टिंग पीछे रह जाती है। अब मैं क्या बोलूँ तुम्हें? एक्शन कमेटी ने मुझे समन ऑर्डर भेजा है। तुम सीएम बनकर रहो तो भी, या सेंट्रल में तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत हो तो भी, मुझे एक्शन कमेटी से समन ऑर्डर आया है। हाँ, इतना सब हो जाने के बाद भी क्या मैं तुम पर भरोसा करूँ? तुम कुर्सी के लालच में तुम्हारा परिवार है ये बिना बताए ब्रह्मचारी बनने का नाटक कर रहे हो। अब सुनो, तुम और मैं एक होकर करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं। तुम कुर्सी पर खुशी से बड़े आराम से बैठोगे और मैं जेल में मुजरिम बनकर चुपचाप बैठूंगी। क्यों चंद्रा, ये सब सोचकर घबरा क्यों रही हो? मेरे रहते हुए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, तुम्हारे वादे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारी बेटी मेरे भाई की पत्नी के रूप में। तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? इस शादी से तुम्हें क्या फायदा होगा? साधारण लोगों की तरह मिलने वाले हम लोग ये शादी होने के बाद रिश्तेदार बन जाएंगे। तुम्हारी बेटी इस घर में आएगी तो मुझे तुम्हारी पावरफुल सिक्योरिटी मिल जाएगी और सेंट्रल से मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है चंद्रा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करने वाला हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मचारी हूँ, यहाँ की सारी जनता जानती है। शादी किए बिना ही मेरी शादी के लायक एक लड़की है, ऐसा किसी ने मुझे पूछा तो उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा? अपनी सगी बेटी को गोद ली हुई बेटी में बदल दीजिए। कैसे चंद्रा? इस राज्य की जनता को बंदर की तरह नचाने वाले स्टेट के मुख्यमंत्री अगर कुछ कहेंगे ना तो सभी जनता मान जाएगी। ठीक है चंद्रा, ये देश ही आश्चर्य से भरा पड़ा है, मैं इस शादी को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करूंगा, ठीक है ना? वेरी गुड, कीप इट अप। अब तुम जा सकते हो। गेट ओपन करो। हेलो मिस्टर एंथनी, कभी तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाना भूल गया था ये कानून, मगर अब तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। कानून? कानून को तैयार करती है असेंबली, और इस असेंबली पर राज करती है सिर्फ चंद्रा। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं, एक मामूली कार्यकर्ता की उम्मीदवारी भी नहीं, फिर भी तुम्हारी उंगलियों पर एक गवर्नमेंट नाच रही है, इसके पीछे कौन सा कारण है? मुख्यमंत्री इस स्टेट के सबसे पसंदीदा नेता, जनता के लिए मर मिटने वाले ईमानदार नेता। बनकर अपनी बकवास, लोगों को धूप में खड़ा करके खुद तो बहुत सी अनगिनत कार जीप से घिरा हुआ रहता है तुम्हारा वो सीएम, जो खाकी वर्दी पर भरोसा करके अपने स्वार्थ से अपनी जान जरूरी है ये जानकर जी रहा है तुम्हारा सीएम, वो पसंदीदा नेता है? बताओ चंद्रा, जरूरत पड़ने पर या आफत आने पर इस्तेमाल करने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, वो ऑटो से भी बदतर है, आधे घंटे के सफर के लिए भी हेलीकॉप्टर से जाने वाला तुम्हारा पसंदीदा नेता? बताओ चंद्रा, कुर्सी मिलते ही जिसे जिताने वाली जनता के लिए भले का काम करना चाहिए, ऐसा आदमी बस अपने स्वार्थी दिमाग से जनता को धोखा देता है, और उस जनता को धोखा देकर जीना ही उसका परम लक्ष्य बन जाता है। परोपकारी आदमी। तुम अपना भाषण बंद करोगे क्या एंथनी? मैं एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनना, अभी मैं इस तरह से जाऊंगी, समझो मेरे चलने के समय जो मेरे पैरों के निशान बनते हैं ना, उस निशान को कुचलने से बचाने के लिए आपकी पुलिस उसकी सेफ्टी करेगी। अभी अगर मैं इसी चुटकी बजाऊं, समझ लेना तुम्हारे शरीर में जो लाल रंग का खून है ना, तुम्हारी पहनी हुई खाकी वर्दी को एक झटके में लाल कर देगी। अब बताओ तुम मरना चाहते हो क्या? वैसे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी राख को अपने आंगन के पेड़ों की खुराक बनाकर डालूंगी, इसीलिए कहती हूँ अभी मान जाओ। गलत काम करने वाली औरत जब खुद पर इतना घमंड करती है तो कानून और इंसाफ को बचाने वाला अधिकारी अपने ऊपर कितना घमंड करेगा? तुम्हारे घर के पेड़ों की खुराक मैं बनूंगा, इससे पहले मैं तुम्हारे साम्राज्य का खात्मा कर दूंगा। एए! अपने आदमियों से कह दो हथियार नीचे डाल दे, फेंको हथियार। hey! पीछे हट जा, मेरा पावर जानता है तू? बिना जाने पागलों की तरह बकवास करता है,
पौने 3 मीटर की वर्दी पहनकर तुम्हें अगर इतना गुस्सा आता है तो 6 मीटर की साड़ी पहनकर मुझे कितना गुस्सा होना चाहिए। गार्ड, ये कमीना यहाँ से जिंदा बचना नहीं चाहिए। मार दो इसे। चलो। शुक्रिया। अच्छा हुआ मैं समय पर आ गई, नहीं तो न जाने क्या होता आपका। जान को जोखिम में डालने वाली नौकरी मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। जो नौकरी हमें सुरक्षा नहीं दे सकती वो करनी ही क्यों। कूली बनकर भी हम अपना पेट पाल सकते हैं तो फिर अपनी जान को जोखिम में डालना क्यों। जान का डर होता तो मैं इस नौकरी को करता ही नहीं। मुझे तो सिर्फ देशद्रोहियों को पकड़ना है। लक्ष्मी, मुझे तो सिर्फ देशद्रोहियों को पकड़ना है, इसीलिए इस खाकी वर्दी को पहन लिया मैंने। मेरे पति ने भी अपराधियों को पकड़ना है कहकर इस बंगले में गए थे पर वापस नहीं आए। रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती हूँ। पुलिस स्टेशन, कोर्ट रूम, न्यायालय, हर जगह जा चुकी हूँ फिर भी उनका कुछ पता नहीं। मैं शादीशुदा हूँ या विधवा ये भी तो पता नहीं मुझे। मेरी फरियाद तो सभी सुनते हैं लेकिन चंद्रा के खिलाफ कोई कुछ नहीं करना चाहता। इस मासूम बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर तड़प रही हूँ भैया, तड़प रही हूँ। आपके पति पुलिस ऑफिसर थे क्या? हाँ, ड्यूटी पर जान देने वाले अधिकारियों को गवर्नमेंट पेंशन तो देती है मगर जान तो वापस नहीं करती ना। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ
ये नौकरी छोड़ दीजिए। बैठिए। क्या सर, कोई अर्जेंट बात है? क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर एंथोनी के बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है सर? एंथोनी तो एक सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, इसमें कोई शक नहीं। एक पुलिस ऑफिसर अगर सिंसियर होता है तो जनता आराम से रहती है, मगर राजनेता आराम से नहीं रह पाते। एंथोनी, क्या हुआ? बताता हूँ सर। मरे हुए कानून के हाथों से पकड़कर लाशों की तरह तैयार किए गए इस पुलिस डिपार्टमेंट में मैं अकेला ही इंसाफ और कानून की बात करते रहता हूँ। इनके बिना जीना गलत है। क्या कहना चाहते हो? मैं को समझा नहीं। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? लात खा के, मार खा के, गवर्नमेंट की दी हुई इस खाकी यूनिफॉर्म पर जो खून के छींटे हैं और मैं खून से जो लथपथ होकर यहाँ पर आया हूँ, अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मैं सब समझ गया एंथोनी। चंद्रा के कंपाउंड के अंदर बिना परमिशन के गया हुआ पुलिस ऑफिसर और उसकी ये हालत देखकर मैं ये सच्चाई स्वीकार करता हूँ, मगर मगर क्या सर? तुम्हारा वहाँ जाना गलत है। क्या गलत है सर? कौन सी गलती की मैंने? शरीर के अंदर बह रहे खून को पसीने की तरह बहाकर ट्रेनिंग पास होके एक आईपीएस अधिकारी बना, दूसरों के खून को जूस समझकर पीने वाली वो राक्षसी, उस चंद्रा के घर पर रेड मारना गलत है सर? उसको अरेस्ट करना गलत है सर? उसके घर के तहखाने में इस देश का सर्वनाश करने वाली मशीन गन्स, आरडीएक्स बॉम्ब्स या हथियार तैयार करने वाली एक फैक्ट्री है सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो एक देशद्रोही है। ये सब कुछ आपको पता है सर? पता है। सच्चाई का पता होने के बाद भी कुछ नहीं किया है? इस पुलिस डिपार्टमेंट को शर्म नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, और मुझे तो लगता है मर्दानगी भी नहीं है। Am I right, sir? No, you are wrong. राज्य को चलाने वाला ये सरकारी तंत्र ही चंद्रा के पैरों की जूती बना हुआ है, तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर सकती है? सॉरी सर, जैसा सवाल वैसा जवाब। एक डीजीपी से इस तरह की उम्मीद नहीं थी मुझे। पेट की मजबूरी के चलते जो 50-100 रुपए में अपना जिस्म बेचती है वो धंधे वाली को हम अरेस्ट करते हैं, लेकिन बिना डरे अपनी दौलत के घमंड पे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके अरबों खरबों रुपए कमा रही है चंद्रा, उसे हम छोड़ देते हैं? उस धंधे वाली को ग्राहक लाने वाले का नाम है ब्रोकर, और यही रिश्वत लेकर गलत काम करने वाले ब्रोकर का नाम है मंत्री। और ऐसे लोगों का साथ देती है ये पुलिस। अब इस देश में गुंडा राज चल रहा है, ये क्या है सर? ये प्रजा की तौहीन और पदवी की तोहमत है सर। मिस्टर एंथोनी, देश भर में चल रहे गलत काम, गुंडागर्दी हर दिन हर पत्रिका में, हर अखबारों में फोटो के साथ छपते आ रहे हैं, और उसे सारी जनता पढ़ती है। इन सब का विरोध किए बिना ही, स्ट्राइक किए बिना ही अपने परिवार के साथ चैन की नींद सो रहे हैं, तो फिर हम रिस्क क्यों लेंगे? हमारी फैमिली नहीं है क्या? कानून की रक्षा करेंगे ये कसम लेकर हाथ में रिवॉल्वर और लाठी पकड़े हुए पुलिस वालों के पास हिम्मत नहीं है तो सुबह की नींद से उठते ही आज का दिन किस तरह गुजरेगा ये सोचने की हिम्मत इस मासूम जनता के अंदर कैसे आएगी? कोर्ट में जाने वाले वकील को शमशान भिजवा दिया जाता है, कातिलों को पहले बेल नहीं देने वाले न्यायाधीश को आज गुंडे धमका रहे हैं, पुलिस को छोड़कर सबको पता होता है ये गुंडा है। इस राष्ट्र में जो शांति थी वो लूट गई, तो फिर लोगों में हिम्मत कहां से आएगी सर? पति के किडनैप होने पर पत्नी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने आती है तो उस पत्नी की ही इज्जत लूट ली जाती है। इस अन्याय का विरोध करने वाली जनता के ऊपर लाठी चार्ज और फायरिंग के ऑर्डर दिए जाते हैं। ऐसे ही कुछ मक्कार बदमाश पुलिस ऑफिसर को देखने के बाद भी लोगों में बोलिए कहां से हिम्मत आएगी सर? एक नया पाठ पढ़ाना है, नए युग की शुरुआत करनी है, रिश्वतखोरी को खत्म करना है, खून खराबे को खत्म करके राजनीतियों को बदलना है, तो पुलिस डिपार्टमेंट को मासूम जनता का सपोर्ट करना पड़ेगा। उससे पहले हर एक पुलिस वाले को जिसने खाकी वर्दी पहनी है सिर्फ उसे यूनिफॉर्म समझे बिना काम करने वाले काम को, सोचने वाले हमारे दिल को भी यूनिफॉर्म समझना होगा। खाकी वर्दी पहने हुए एक बस कंडक्टर या ड्राइवर को जरा सी प्रॉब्लम होती है तो एक बस भी नहीं चलती, खाकी वर्दी पहने हुए एक ऑटो ड्राइवर को कुछ तकलीफ होती है तो एक ऑटो भी नहीं चलता, लेकिन खाकी वर्दी पहने एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट ध्यान ही नहीं देता। इन हालातों को बदलना होगा, हम सभी को एकजुट होना होगा। देश की जनता के बीच हम लोगों को अपनी छवि सुधारनी होगी। धर्म, न्याय, कर्तव्य, ये अपने डिपार्टमेंट का एक तारक मंत्र होगा तो सारी जनता हम पर विश्वास करेगी। हमें इस राष्ट्र से अत्याचार का अंत करना है, सभी अपराधियों की समाधि बनानी है। उसके लिए महात्मा गांधी के दिखाए हुए अहिंसा के मार्ग की अखंड ज्योति को क्रांति के नाम का पेट्रोल डालकर रोशन करना होगा। तभी राजनीति के अंधेरे में गुम हुई धर्म की देवी का हम सभी भारतीय पता लगा सकते हैं।
इस कार्य के लिए मैं तैयार हूँ। अगर आप लोग भी जनता का भला चाहते हैं और इस मातृभूमि पर आपका विश्वास हो तो, आपके अंदर के खून में गर्मी हो तो मेरा साथ दो। आंखों में यह गुस्सा कैसा है रे बता? तीन तीन खून करने के बाद भी तेरी प्यास नहीं बुझी क्या? तू अभी तक मरा नहीं? मैं नहीं मरूंगा, उसे मारने तक मैं नहीं मरूंगा। क्या कहा? तेरी हिम्मत उससे कहता है? ए हट रे, चल रे, तू ये काम कर। क्यों रे इतने गुस्से में देख रहा है? एक लगाऊंगा तेरा थोड़ा बिगड़ जाएगा, चल। क्यों रे कटर की औलाद ऐसे क्यों देख रहा है? कटर के कीड़े, अभी मैं तेरी गर्मी ठीक करता हूँ। जानना चाहता है ना कि मेरी आंखों में क्रोध क्यों है तो सुन, किसी की माँ को अगर मार दिया जाए तो उसकी आंखों में ऐसे ही क्रोध रहता है। तू नहीं समझेगा, मेरी भोली भाली माँ को उस चांडाली ने जहर दे के मार दिया और तू भी मुझे मारने के लिए आया है ना? बता तुझे यहाँ किसने भेजा है बता, नहीं तो मैं तुझे यहीं मार दूंगा। बताता है कि मैं तुझे यहीं मार दूं? बता बता कबीरे, बता बता चंद्रा। मैं जाकर खेलूं क्या नानी माँ? विजय, लोगों के सामने कभी नानी माँ कहकर मत बुलाना, मम्मी कहकर बुलाना, समझे? जाओ खेलो। ठीक है मम्मी। Thank you.
है माँ, एक मिनिस्टर के घर जन्म लेने से तो अच्छा है कि किसी मजदूर के घर जन्म ले लिया होता। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, बड़ी हिम्मत से कह सकती थी। कितनी भी दौलत है तो अभी मैं एक गोदली बेटी ही कहलाऊंगी ना। नमस्कार मैडम, और सब ठीक है? ठीक है, चलते हैं मैडम। इन्हें दो। नमस्कार सर। तुम लोग सब उस तरफ जाओ और तुम सब इस तरफ जाओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, तुम सब एंट्रेंस पे जाओ। सत्यवती। हाँ। यस मैम। कौन है ये लोग? मैम ये सब अपने ही आदमी है। इन लोगों को डीसेंट कपड़े पहनाकर मैं ही यहाँ पर लेकर आई हूँ। पुलिस वाले इन्हें किसी भी तरह से नहीं पहचान सकते। हम लोग सिर्फ घुटनों तक शूट कर सकते हैं, लेकिन ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारे एक इशारे पर ये कसाई की तरह सबको काट कर रख देंगे। एंटनी और प्रभाकर इस शादी में आकर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें, इसलिए मैंने ये सब किया है। वेरी गुड। अगले चुनाव में मैं तुम्हें अमल नगर से खड़ा करके तुम्हें मिनिस्टर बना दूंगी। थैंक्स मैडम, बस आप ही का आशीर्वाद चाहिए। हमारी कैसी हालत हो गई है यार आयुष, प्रमोशन दिलाता हूँ ये सुन सुनकर आखिर में हमें यहाँ बर्तन साफ करना पड़ रहा है, देखा तूने? वो भी ठीक है, हर तरह के रोल करने वाले हीरो को भी इतना बड़ा काम नहीं मिलेगा यार। अरे आयुष, मुझे ये सारा काम संभालने के लिए कहकर तुम कहाँ पर चले गए यार? अरे धनुष, चिल्ला क्यों रहे हो? चुपचाप बर्तन ही धो सकते हो मूर्ख। Yeah!
ए प्रभाकर, पापा, चुप हो जाओ। मुझे छोड़ने के लिए कहो ना पापा, प्लीज पापा प्लीज, पापा नानी माँ से कहो ना मुझे छोड़ने के लिए, प्लीज पापा। मेरे भाई को छोड़ते हो या नहीं? नाती है ये, भूलकर मैं उसे भून कर रख दूंगी। मुझे मेरी इज्जत सबसे प्यारी है। तुम्हें तुम्हारा बेटा चाहिए या नहीं? पापा, पापा बचाओ पापा, प्लीज पापा प्लीज बचाओ पापा। मैडम, मुझे पहचाना? इस शहर की करोड़ों की आबादी में से मैं भी एक हूँ। तुम्हारे जुर्मों से त्रस्त हुई और तुम्हें मैं भी हूँ। तुमने और तुम्हारे पति ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने बहुत सारे पाप किए हैं। अब तुम्हारी सही सजा की बारी है। तुम्हारे अंत के लिए ये देवदूत आया है। तुम्हारे अंत के बाद ही ये देश सुरक्षित होगा। पापा! तेरा क्या जमीर मर गया है क्या, जो अपनी बेटी को गोद ली हुई बेटी बोलता है और उसकी शादी इस कमीने से करके उसे जीते जी भयानक नर्क में ढकेलना जाता है? क्या ये बात तुझे मालूम नहीं? ये राजनीति का गंदा खेल खेल के तू क्या समझता है तू फिर से सीएम बन जाएगा? देश के भोले भाले लोगों को धोखा देकर के तुम इतने ऊंचे आसन पर बैठ गए हो जहां तुम अय्याश करते हो। तुम्हारे जैसे अय्याश नेताओं की वजह से ही हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है। हमें शर्म आती है कि तुम हमारे नेता हो और हम तुम्हारी जनता है। तू सीएम है लेकिन ये कमीनी कौन है? पार्टी की प्रेसिडेंट है, पार्टी की सदस्य है, या इसने पार्टी का गली गली जाकर प्रचार किया है, या फिर इसने देश की सेवा के लिए कोई काम किया है? फिर क्यों ये अधिकार, ये मान सम्मान इस पापड़ बेचने वाली को दिया है? इस राज्य का तू सीएम है, तू मंत्रियों से मिलता है, तू आईएएस अधिकारियों से मिलता है, तब जाकर देश का भला होता है। फिर क्यों तू इसके कहने पर बैल की तरह सिर हिलाता है और देश को गर्त में ले जा रहा है? आईएएस आईपीएस अधिकारी, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, हर रोज मेहनत मजदूरी करके जीने वाले गरीब लोग और गरीबी में रहने वाली औरतें, ये सारे लोग आप सभी लोग के साथ फॉरेन कार्स में गांव आते हैं तो बहुत दूर खड़े होते हैं। किस वजह से पता है तुम्हें? तुम्हें कैसे पता होगा? क्योंकि उनके परिवार को बचाने वाला समझकर, उन्हें आगे बढ़ाने वाला मसीहा समझकर, इस भरोसे से ही। लेकिन अब पता चला कि अपने स्वार्थ के लिए तुमने इस देश को टुकड़े टुकड़े करके बेच दिया है। यही समझकर इस देश का धर्म चक्र आज अधर्म को रोकने वाला विष्णु चक्र बन गया है। तुझे खत्म करने के लिए मैं एक अच्छे मुहूर्त की तलाश में था लेकिन अब तू ही इधर आ गई है। अब मेरी एक ही समस्या है कि पहले तुझे मारूं या इसे मारूं। तुम दोनों देशद्रोही हो, देश को बर्बाद करने में तुम्हारी बराबर की हिस्सेदारी है, तो मौत में भी तुम्हारी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं यही सोचता हूं। इस राज्य पे तुम्हारे नाम का जो शनि लगा है मैं उसे उतार दूंगा। मंत्री कौन होता है? जनता का प्रतिनिधि, हमेशा जनता के सुख दुख के बारे में सोचने वाला मुखिया। मगर कुर्सी मिलते ही तुम सारे नेता ये भूल जाते हो। अब मुझे देश की औरतों की इज्जत को बचाना है और इस देश के नाम को सूरज की तरह चमकाना है और तुम्हारे जैसे कमीने नेताओं की वजह से देश में आई बर्बादी को दूर करना है। देश के गरीब भोले भाले लोगों को झूठे दिलासे देकर के अपने जाल में फंसाते हो और उनका खून चूसते हो, और वो भोली भाली जनता अपनी समस्याओं को लेकर तुम्हारे सामने आती है जिन्हें तुम धुतकार देते हो। देश के कोने कोने में बैठे सिर्फ तुम्हारे जैसे नेताओं की वजह से हमारे देश का नाम सारी दुनिया में खराब हो रहा है। जनता के पैसे से खरीदी हुई लंबी लंबी एसी कारों में चलने वालों, एक बार तपती सड़क पर पैर रखकर देखो और कार समझ में आ जाएगी कि गरीबी क्या चीज होती है। तूने इस नागिन की बात मानकर देश का खून चूसा है। अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। पहले मैं इसे मारूंगा। नहीं रुको, नहीं प्रभा, इन लोगों को अभी मार दिया तो एक मिनट में ही सारा खेल खत्म हो जाएगा। गैर कानूनी ढंग से जो इन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं, इनके सारे अधिकारों को काट कर इन्हें कानून के हवाले कर देना चाहिए। इस कमीनी को प्रवचन क्यों दे रहे हो? काट कर फेंक दो इन्हें। नहीं यार, इन्हें अगर मार दिया तो ये शहीद कहलाएंगे, महात्माओं की लिस्ट में इनका नाम भी दर्ज हो जाएगा। नहीं यार, ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे। खाकी वर्दी की पावर और इज्जत इन्हें भी तो पता चलनी चाहिए, इसीलिए हम कानून के दायरे में रहकर इन्हें सजा दिलाएंगे। मेरी माँ को मारने वाली ये चंद्रा, तुम इस राक्षसी को माला पहनाकर इज्जत देने की बात कर रहे हो? रुको यार, तुम्हारी माँ को इन्होंने मारा तुम्हें यही पता है। बहुत सी मासूम लोगों की जिंदगियों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है, मगर फिर भी लोगों की नजरों में ये भगवान है, ये बात तुम जानते हो क्या? सिर्फ एक दिन अखबारों में आने वाली न्यूज चाहते हो या फिर इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ नाम चाहते हो? अच्छे लोग नेता बनकर आएंगे तभी इस देश में राम राज आएगा। सभी लोग हमारा साथ देंगे, हम उनके रखवाले हैं। यही सोचकर हर एक राजनेता को अपना अधिकार समझना चाहिए। आज के बाद किसी पद पर कोई भी रहे, उन सबको अपना घमंड, अहंकार और अभिमान अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। आज हमारी जनता सब सहन करती है। अगर दहशत ज्यादा हुई
तो भूकंप बनकर सारे दहशत को तहस नहस कर देगी। उसके बाद ये करोड़ों रुपए, गाड़ी, बंगला, ये तुम्हारे सारे गहने कुछ भी काम नहीं आएगा। चंद्रा देवी के साथ उसके साथियों को भी उम्र कैद की सजा हो गई। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम वीनस। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.